आखिर आले साउथ ने मक्का और मदीना जैसे मुकद्दर शहरों को छोड़कर रियाद को ही सऊदी अरेबिया की राजधानी क्यों बनाया? क्योंकि अगर आप पीछे का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आले साउथ से पहले जितनी भी सल्तनतों ने सऊदी अरेबिया पर राज किया उन सभी ने मक्का मदीना में से किसी एक शहर को ही अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन फिर आले साउथ ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, इसके पीछे दो सबसे बड़ी मेन वजह बताई जाती है। पहली वजह तो ये थी कि आगे से उनको पता था कि अगर वो लोग मक्का और मदीना जैसे किसी भी शहर को अपनी राजधानी बना देंगे तो वहाँ पर कभी भी किसी गैर मुस्लिम को नहीं बुला सकेंगे और ऐसा करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता था, क्योंकि वो जानते थे कि आप टाइम बदल चुका है और पूरी दुनिया का सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसीलिए उन लोगों ने इन दो शहरों को छोड़कर किसी तीसरे शहर को चुना, और याद कोई इसलिए चुना क्योंकि यह उनका अपना शहर था। इनकी सारी नस्लें वहीं पर पली बड़ी थी।